मंत्री, मेरे कहने का मतलब दिन वाला काम दिन में और रात वाला काम रात में। ये सब क्या चल रहा है मंत्री? रात को सोते हैं और दिन में खेती बाड़ी करते हैं। राजा साहब, हमारे यहाँ से आपके लिए ये भेंट। मंत्री देखिए तो क्या है इसमें, लाइए तो। जी महाराज। बहुत ही बहुत। ये क्या है राजा साहब? हमारे पास जो था वो आपको लेके दे दिए। पर ये तो मिट्टी है राजा साहब। हमारे खेत में अनाज रोपा ही नहीं गया था। तो फिर मिट्टी लाए क्यों? मंत्री जी क्या करें, अगर हम नहीं लाते तो आप खुद चले जाते। इसकी तो सजा तुम्हें जरूर मिलेगी गुटखाखोर। राजा साहब, गुटखाखोर नहीं गुस्ताखोर होता है। अरे वही सेम टू सेम। महाराज हमें माफ कर दीजिए, हमारा 12-12 बच्चा है और 4-4 पत्नियां है। माफ कर दीजिए, हमें छोड़ दीजिए। अरे मैं तो एक ही से परेशान हूँ, तुम इतना कैसे संभाल लेते हो? जिसमें दम होगा वही तो संभालेगा 4-4 से 9। इतनी हिम्मत राजा साहब को लोग करते हो? इसने ऐसा कब बोला? देख रहे हैं राजा साहब, दम का बात कर रहा है। सही तो बोल रहा है। इसका मतलब रानी साहिब है। मंत्री इसके अलावा एक शब्द ही आगे बोल दिया तो समझ लेना। ये अपना मर्द हूँ। राजा साहब अब मैं चलता हूँ। राजा साहब, दूसरे गांव से एक किसान आया है। आने दिया जाए दरबार में। तो बताइए आपकी क्या समस्या है? मंत्री जी, हमारे गांव के फसल सुअर नष्ट कर रहे हैं। मंत्री जी महाराज, उन सुअरों को बंदी बनाकर हमारे कटघरे में पेश किया जाए। महाराज कटघरे नहीं कटघरे। मंत्री जितना बोला गया उतना ही काम करो। देखो तो इधर सुअर है। मंत्री जी ये देखिए, ये सुअर नहीं सार है, सार। ये तो मेरा आर आर। चलो सिपाहियों इनको बंदी बना लो। ये लाल सार और भूरा सार है। उठो उठो, मैं तो गर्दन काट दूंगा।